नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जयपुर के सेक्रेटेरिएट और कृषि भवन के बीच लगाने वाले कलकत्ती चाट के ठेले, जूस आदि पर कार्रवाई की गई। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गंदगी पाई गई। सरकारी मानकों का सभी का उल्लंघन किया जा रहा था। इस पर फूड एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग की पूरी टीम मौके पर रही। रतन गोदारा इसको लीड कर रहे थे। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा और ड्रग कंट्रोल पंकज ओझा मौके पर पहुंचे और कॉन्टेमिनेटेड फूड नष्ट करवाया। विभाग की अतिरिक्त प्रमुख सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देश और आयुक्त इकबाल खान के दिशा निर्देश में मिलावट परवार अभियान राजस्थान में तीव्र गति से चलाया जा रहा है। यही नहीं, श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशन में और पंकज ओझा अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम के दल द्वारा हाईकोर्ट की गली में भी SBI बैंक के सामने सी स्कीम में कोलकाता चाट भंडार के फर्म मालिक नीरज, कोलकाता चाट भंडार की दूसरी इकाई फर्म मालिक मुकेश, कोलकाता चाट भंडार की तीसरी इकाई फर्म मालिक पवन शर्मा के खाद्य सुरक्षा दल ने सख्त निरीक्षण करते हुए इनके द्वारा बेचे जा रहे दही वड़ा, दाल के चीले, हरी लाल चटनी, छोलों एवं इनको तैयार करने में काम में ली जा रही सामग्री, पनीर, दही आदि के कुल 14 नमूने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लिए गए। साथ ही इनके द्वारा काम के लिए लिए जा रहे खट्टा दही लगभग 10 किलो, पुरानी चटनी लगभग 4 किलो एवं बदबूदार छोले लगभग 6 किलो को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। साथ ही साथ सभी चाट भंडारों के मालिकों को साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखने की हिदायत दी गई और खाद्य अनुज्ञा पत्र की सभी शर्तों का पालन करने एवं साथ ही खाद्य अनुज्ञा पत्र अपने चाट भंडार पर प्रदर्शित करने की भी हिदायत दी गई। हिदायत का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। बिना फूड लाइसेंस के सामान बेचा जा रहा था।